हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, तो दोस्त मैंने सारा काम वगैरह कर लिया है और अब मैं फ्री हो गई हूँ। और कल मुझे खुशी थी, आज मुझे दुख बहुत हो रहा है। आप सबको बता दूँ दुख का रीजन, एक यूट्यूब के एक भाई हैं, उनका चैनल है विजय रिया ब्लॉग। तो वो उन भैया को पता नहीं क्या हो गया है, भगवान पता नहीं उनकी खुशी में क्या कर दिए हैं। वो भी उनको लग मतलब सब बोल उनके गांव उनका ब्लॉग मैंने देखा था, उनसे बात तो नहीं होती है, ना मैंने कभी उनको देखा है ना मिला है। मैंने बात मतलब उनका ब्लॉग देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ फ्रेंड्स। वो बहुत अच्छे इंसान है फ्रेंड्स और इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते थे। मैं फ्रेंड्स आप सबको बता दूं उनका, तो फ्रेंड्स उन भैया को पता नहीं क्या हो गया है और वो इतना मतलब उनकी हालत खराब है, क्या कहें। और मैं उनका वीडियो फ्रेंड्स बहुत पहले से, जब से वो चालू किए जब से देखती हूँ। और वो भैया बहुत पहले परेशान रहते थे लेकिन अब उनकी हालत सुधरी तो अब उनको खुद के तकलीफ हो गया। वो बीमार है, भगवान से दुआ करो आप भी, आप सब लोग, और मैं तो दुआ करूँगी। की थी आज पूजा की, तब भी मैंने किया, और आप सब भी कीजिए कि मतलब भगवान उनको जल्दी से ठीक कर दें और अच्छे अच्छे ब्लॉग वापस से फिर लेकर आए, हंसते खेलते उनका चेहरा हो जाए। फ्रेंड्स उनकी वाइफ का डिलीवरी का टाइम है और उधर उनकी एक लड़की भी है, उनके मम्मी पापा हैं फैमिली में, उनकी बहुत अच्छी फैमिली है फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा लगता था जब वो हंसते हंसते वीडियो बनाते थे, तो गांव का वीडियो दिखाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं रोज डेली देखती थी उनका वीडियो। और पता नहीं क्या हो गया है फ्रेंड्स, गांव उनके घर के लोग बता झाड़ फूक भी करवाए, हॉस्पिटल भी लेकर गए और कुछ ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो भगवान से आप लोग दुआ करें कि जल्दी से ठीक हो जाए भैया। और पता नहीं क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ऐसे ही थोड़ी बहुत ज़िंदगी आगे चलती है, तो ऐसे ही ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हो जाता है। भगवान अच्छे से उनको ठीक कर दें। और उनकी एक बेटी है छोटी सी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, छोटी सी बेटी है, वो हमेशा तोतली बोलती रहती है, अच्छा लगता है उसकी बोली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो भगवान से आप लोग भी प्रे करें कि जल्दी से भैया ठीक हो जाएं। और यही सब है फ्रेंड्स, कल मैं बहुत खुश थी लेकिन आज उनका ब्लॉग देखा, मैंने दो दिन से नहीं देख पाई थी लेकिन आज मैंने उनका ब्लॉग देखा, दो दिन से नहीं देख पाई थी फ्रेंड्स, तो आज मैं बहुत खुश हुई। दुख हुई थी मतलब मेरा मन ही नहीं लग रहा था, देखो इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स। मैं बता दूँ मैं अकेली घर में रहती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं अकेली घर में रहती हूँ, दिन भर मेरे यहाँ कोई नहीं रहता, मैं काबू और मैं दोनों अकेली रहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मैं दिन भर जैसे वीडियो ख़त्म हुआ तो मैं ब्लॉग देखती हूँ सबका, तो मुझे उसमें ही अच्छा लगता है। और यही सब फ्रेंड्स, मैं अपने आप को अकेला नहीं महसूस करती हूँ। और मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली होने वाली है और आप सब मेरी मदद करें और मुझे आगे बढ़ाएं और मेरी फैमिली बड़ी हो जाए और दुआ करें। तो मैं महसूस नहीं करती कि मतलब मैं अकेली हूँ, और तो मैं यही सब देखती रहती हूँ तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता है। तो ये मतलब फ्रेंड्स, अगर ये मेरी फैमिली वालों को कुछ हो जाता है तो दुख तो होता ही है, आप सबको कुछ भी हो जाता है तो मुझे दुख होता है। तो यही सब है फ्रेंड्स, और तो भगवान से दुआ करें कि भैया जल्दी से ठीक हो जाएं।
वो पता नहीं कैसे हालत है उनकी, सब बोलते हैं उनको मतलब भूत प्रेत का साया है, कोई बोलता है तबीयत की टाइफाइड की बीमारी है वो, मतलब उनको एक आंटी है वहाँ क्या बोलते हैं उधर उनके पास में कोई है, मतलब उनको मेरे को नाम नहीं मालूम कहाँ की है, रांची की है आंटी जी, तो वो मतलब लेकर गई थी हॉस्पिटल, मतलब दिखाए थे उनके बेटे ने, तो बता रहे हैं कि मतलब टाइफाइड है, लेकिन क्या मालूम टाइफाइड है कि उनको गांव के लोग उनके मम्मी पापा लेकर गए थे झाड़ फूँक करवाए थे, तो बता रहे थे कि मतलब कुछ भूत प्रेत का साया है, तो कुछ भी हो फ्रेंड्स जल्दी से ठीक हो जाए भैया, और उनकी बीवी एकदम वो बेचारी ऐसे ही एकदम सूखी सूखी सी और टेंशन करेगी तो और सूखी हो जाएगी। तो रिया जी आप मेरा ब्लॉग देखें तो प्लीज़ आप टेंशन न लें और भैया जल्दी से ठीक हो जाएंगे, और अपने सेहत का ख्याल रखें क्योंकि आपसे ही आपका बच्चा भी मतलब रहेगा और उसको भी ज़रूरत है आपकी, तो आप टेंशन न लें, अपने सेहत का ध्यान रखें, भैया जल्द ठीक हो जाएंगे, हम लोग प्रे करेंगे और भगवान जल्दी से ठीक कर देंगे। तो यही सब है फ्रेंड्स, और मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया है अपनी दुख शेयर करने के लिए, कल मैं खुशी शेयर करने के लिए बनाई थी, तो आप सब लोग गलत मत समझिएगा, मुझे कोई वो नहीं है, मतलब मैं अपनी फैमिली वालों के साथ दुख सुख शेयर करती रहती हूँ, करने के लिए सोचती हूँ, तो प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल। अब इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और अब मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।